आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। तो मीडिया वाले सुन लिया आपने, ये हाथरस के डीएम पीड़ित परिवार के सामने बैठे हैं और कैसे उन्हें धमका रहे हैं। बातचीत का टोन देखिए, आज अभी धमकी देने का अंदाज देखिए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ये पीड़ित परिवार को धमकी नहीं तो और क्या है? ये परिवार की आवाज बंद करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? हाथरस के इस डीएम के ऐसा कहने का मतलब समझ में आता है। मीडिया के सामने परिवार ना आए, ये इसी कोशिश में लगे हैं। हाथरस की खबर किसी तरह से दब जाए, ये इसी कोशिश में लगे हैं। इसी कोशिश में इन लोगों ने 15 दिन तक केस पर पर्दा डाले रखा। इसी कोशिश में इन लोगों ने आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया। अब भी ये अफसर मनमानी कर रहे हैं, गरीब परिवार को डरा धमका रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा, पापा पे बुलवा रहे बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। परिवार वाले सीधा आरोप लगा रहे हैं कि डीएम धमका रहे हैं। इसी डीएम ने ही अंतिम संस्कार पर साफ साफ झूठ बोला था, कहा था कि परिवार की सहमति ले ली गई, ये सरासर झूठ था। सीधा मेरी बेटी को माला गया शमशान घाट, उसका मान बाप नहीं है, भैया नहीं है, जला फुका के आ गए, किसी का पता नहीं चलती, नहीं मैंने पैर तक छुए मेरी बच्ची का मौत खा दे और समर लोगों का यहाँ गाड़ी खड़ी कर लो, खड़ी बार घुसा डंडे बचाए हम लोगों ने। हम पूरी गाड़ी वापस लेके आए थे, जब ये लेट गए थे महिलाएं, जब लेट गई थी मैं स्वयं यहाँ पे था। और महिलाएं क्यों लेटी थी आपकी गाड़ी के आगे, क्यों लेटी थी, क्या वजह? मेरी गाड़ी के आगे नहीं लेटी, उस वैन के आगे लेटी थी और इनका चेहरा देखने तो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए, क्यों नहीं करने दिया गया सर? हमने अंतिम संस्कार करने दिया, एक घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही थी। आज तक ने पहले दिन से इनके झूठ की पोल खोली थी, इनके पास आज तक के सवालों का कोई जवाब नहीं था। इन्हें आज तक पर हाथरस की खबर परेशान कर रही थी, इन्हें परिवार की फिक्र नहीं थी, इनकी नजर मीडिया पर थी। सर कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और हम मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दूं चित्रा जी, आप यहाँ पे थी नहीं, आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए, आप खुद होटल में थी, आप यहाँ थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है मेरा, मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है, किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव, क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया, भाई ने जलाया, परिवारी जनों ने, नहीं नाम बताइए ना आप सर, नाम बताइए तो मैं कैसे बता पाऊंगा, नहीं कैसे आप गलत बयानी कर रहे हैं ना सर, आपको मेरी लोकेशन पता है और आपको ये नहीं पता है कि परिवार का अंतिम संस्कार थे ही नहीं, आपको कैसे? ऐसे अफसर और ऐसे सिस्टम से कैसी उम्मीद रखें जिसे गरीब परिवार के साथ अन्याय से फर्क नहीं पड़ा, ये डरा धमका कर परिवार को चुप करवाने में जुटे हैं। वीडियो में सब क्लियर है और अब सफाई। कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है
और उसके बाद भी मुझे आज जब पता चला कि पीड़ित परिवार किसी बिंदु पे खुश नहीं है, तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और डेढ़ घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि उनकी नाराज़गी का क्या कारण है। लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। इस सफाई पर कौन यकीन करेगा? ऐसे अफसर को तो पहले दिन ही हटा देना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि इनकी कुर्सी क्यों बची है? ऐसे अफसरों को कौन शह दे रहा है? किसके ऑर्डर पर ऐसे अफसर चल रहे हैं? आज तक ब्यूरो। लेकिन आतरस